नमस्कार दोस्तों, मौजूदा मोदी सरकार जिस अंदाज में कायदे कानून को ताक पर रखकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, उससे साफ हो गया है कि उनका मकसद केवल उनकी छवि धूमिल करना नहीं है। ईडी के कंधों पर बंदूक रखकर वो वही हासिल करना चाहते हैं जो गुजरे जमाने में दुनिया के शायद तानाशाहों ने चाहा था। ऐसे नाजुक मौके पर आईएनसी टीवी आप सबसे एक खास अपील करना चाहती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को उस दौर में ले चलना चाहता हूं जब हिटलर की क्रूरता अपने चरम पर थी। आप सबको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हिटलर ने कितनी क्रूरता से अपने विरोधियों का कत्लेआम किया था। वैचारिक विरोधी, शांति अहिंसा की बात करने वाले बुद्धिजीवी, किसान मजदूर के नेता, किसी को उसने नहीं बख्शा था। यहूदियों के नरसंहार के लिए तो उसने गैस चैम्बर बना रखा था। हिटलर के क्रूरता के और भी तमाम वाक्यों से आप रूबरू होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिटलर इंसानियत को कलंकित करने में सफल कैसे हो गया? कोई उसकी क्रूरता पर रोक क्यों नहीं लगा सका? इस सवाल का जवाब हिटलर के ही देश जर्मनी के कवि फ्रेडरिक गुस्ताव एमिल मार्टिन निमोलर ने दिया है अपनी मशहूर कविता पहले वो आए में। सुनिए वो क्या कहते हैं। पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, अब मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं बचा था। मतलब समझ गए होंगे आप, हिटलर की क्रूरता के उस दौर में ज्यादातर लोग ये सोचकर खामोश बैठे थे कि मुसीबत पड़ोसी के घर आई है, दूसरी जाति और संप्रदाय के लोगों पर आई है, उन लोगों पर आई है जो उनकी विचारधारा के नहीं है। वो लोग मर रहे हैं जो विरोधी पार्टी के हैं। हिटलर के यमदूत उन्हें नहीं बल्कि दूसरे लोगों को मार काट रहे हैं। उनका घर परिवार सुरक्षित है, उनके आशियाने पर कोई आंच नहीं है और आएगी भी नहीं, लेकिन हिटलर ने उनको, उन सबको गलत साबित कर दिया। सबसे पहले उसने कम्युनिस्टों को कत्लेआम किया। लोग उस कत्लेआम पर खामोश रहे, चुप्पी साधे रहे। उनकी खामोशी से हिटलर का हौसला बढ़ा। कम्युनिस्टों के बाद उसने ट्रेड यूनियन वालों को निशाना बनाया, उसका भी किसी ने पुरजोर विरोध नहीं किया। हिटलर का हौसला और बढ़ता गया और तब आखिर में उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों का सामूहिक नरसंहार कर दिया। और पता है हिटलर की इस तानाशाही और क्रूरता का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? उन जर्मन वासियों पर जो हिटलर को अपने हीरो की तरह पूजते थे। जब तक हिटलर जिंदा रहा, ज्यादातर जर्मन वासियों को यही लगता रहा कि हिटलर उनका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है, लेकिन जब वो मरा तब उन्हें एहसास हुआ कि हिटलर तो उन्हें तबाह और बर्बाद करके चला गया है। दोस्तों, इस दास्तां को मौजूदा हालत से जोड़कर समझने की आप कोशिश कीजिए। जरा याद कीजिए कि पिछले 8 साल से देश की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। देश को एक साजिश के तहत पहले धार्मिक उन्माद में उलझाया गया ताकि सरकार के साजिश पर पर्दा पड़ा रहे, उसके बाद विरोधियों को निशाने पर लेने का काम शुरू हुआ। ये चीज किसी से छुपी नहीं है। इस काम के लिए सबसे ज्यादा ईडी का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को एक एक करके निशाने पर लेने का काम शुरू हुआ। जो विपक्षी ईडी के दबाव में आकर सत्ता के सामने झुक गए, पाला बदल कर बीजेपी के खेमे में आ गए, विपक्ष की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने में मददगार बन गए, उन सबको 2 सेकंड में ईडी से क्लीन चिट मिल गई। यह आरोप है कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी दलों का। लेकिन जो लोग सत्ता की इस निरंकुशता के सामने नहीं झुके, उनको जेल भेजने के लिए हर कायदे कानून को ताक पर रख दिया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मामला सत्ता के इसी साजिश का एक हिस्सा है। सत्ता उनको घुटनों के बल बैठाने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ वो है जो सत्ता को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये सरकार चाहती है आप बिना सवाल किए तानाशाही की हर बात को स्वीकार करें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इनसे डरने की और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है। ये डरपोक हैं,
आपकी ताकत और एकता से डरते हैं, इसलिए उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। अगर आप एकजुट होकर इनका सामना करोगे तो ये डर जाएंगे, मेरा आपसे वादा है। न हम डरेंगे और न इन्हें डराने देंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस नाजुक मौके पर देश का क्या फर्ज है, देश के लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हमारा भी हश्र उस जर्मन वासियों की तरह ना हो जो शुरुआती दौर में हिटलर को अपने हीरो के तौर पर देखते थे। इस सवाल का जवाब बेहद ही आसान है दोस्तों। हर मुमकिन मंच पर मौजूदा सरकार की जो कामकाज है और जिस तरह से विपक्षी दल तानाशाही रवैया कह रहे हैं, उसकी निरंकुशता जो कह रहे हैं उसका पुरजोर जो है वो विरोध कीजिए। जिस साजिश के तहत विरोधी दल के नेताओं को फंसाया जा रहा है उसका खुला विरोध कीजिए। याद रखिए, जनता की ताकत से बढ़कर दुनिया में और कोई बड़ी ताकत नहीं होती। जब जनता सड़क पर उतर कर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती है, कायदे कानून और अपने हक हकूक की बात करती है, तब बड़ा से बड़ा तानाशाह घुटनों के बल आ जाता है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और यही INC TV की अपील भी है। नमस्कार।